तो अभी अगर भारत का नक्शा पता बना कर यहाँ रखा जाए, तो आपको कहा जाए कि खड़े होकर के इसमें बताओ रावी नदी कहाँ है, कितने लोग बता सकते हैं? क्या ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, सीधा रावी नदी पर ही हमारा संकेतक जाएगा। चलो पांचों नदियों के नाम बता दो। सतलुज, रावी, चेनाब, ब्यास। ये मध्य प्रदेश से गाड़ी चलती है, रोड चलती है, गुना से आती है, जम्मू कश्मीर जाती है, उसका नाम भी उसी नदी के नाम पर रखा हुआ है। चार तो नाम बता दिया, पांचवा कौन सा रहेगा? तो अभी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा बहुत कुछ आएगा, स्वयं सेवक के नाते अपन उनका थोड़ा सा स्मरण कर सकते हैं। अभी उनकी आयु लिखी हुई आ रही है, कल जब उन्होंने कहा अंतिम श्वास ली, तो सर वो कितने वर्ष के थे? उनका जन्म तो 1925 का लिखा है, 24 का है, 24 का है, तो 94 हो जाएंगे। फिर वो पढ़ाई पूरी करते ही प्रचारक बन गए, इसका मतलब प्रचारक जीवन भी उनका कम से कम 70 साल का हो गया। सबरे हम और राम प्रकाश जी दोनों ऐसे ही चर्चा करे तो राम प्रकाश ने कहा वो जीवन भर अपने मार्ग पर, नाम भी उनका अटल था, मार्ग पर, सिद्धांतों पर, विचारों पर अटल रहे। बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी विचलित नहीं हुए। पहली बार वो जीत करके लोकसभा में कब पहुंचे थे? 57। उसके पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव लड़ा था, उसमें वो हार गए थे। 1957 में पहली बार वो लोकसभा में पहुंचे, सुल्तानपुर, तो उनका वो चुनाव क्षेत्र था बलरामपुर। गोंडा के पास में है क्या बलरामपुर? जी वहां से पहली बार जब वो संसद में पहुंचे तो उनकी उम्र अब आप सोच के बताओ कितनी रही होगी? 33 वर्ष की उम्र में। उसके पहले और 6 साल पहले जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर जा रहे थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उनके निजी सचिव थे, वो भी उनके साथ थे, यानी जनसंघ बनते ही उनको संघ की योजना थी उसमें जाने के लिए कह दिया था। 1991 में जनसंघ में चले गए, उसके 2 साल बाद ही वो लखनऊ से दिल्ली आ गए थे, और यहाँ वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी कभी संसद में जीत कर आए थे क्या? पहले आम चुनाव में वो जीते थे, जनसंघ बन गया था, 4 ही लोग जीते थे, उसमें 2 बंगाल के थे, 2 दूसरे थे, शायद एक महाराष्ट्र थे, एक और कहीं के थे। लेकिन डॉक्टर जवाहरलाल मुखर्जी ने बड़ी व्यवहार कुशलता से संसद के कई सदस्यों को मिलाकर, कई छोटे छोटे दलों को मिला करके, जिसको बोलते हैं मान्यता प्राप्त विरोधी दल, वो बना लिया, उसके वो नेता बने थे। अभी संसद में कोई भी लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं है। जो सीट तब वो मान्यता प्राप्त दल बनता है, किसी के पास नहीं है। और उसके लिए अभी चाहिए 54 सदस्य, 545 है ना, 56, किसी के पास नहीं। सबसे बड़ा जो विरोधी दल उसके पास केवल 44 सीटें बची थी, बेचारे वो जीत गए हैं। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसे कई लोगों को मिला करके उसको एक इकाई के रूप में बनाया, उसको नेता बन गए। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हो गया 1953 में, षड्यंत्र से उनकी हत्या ही हो गई। उस समय अटल जी वहाँ जेल में थे, उनको दूसरी जगह रखा, उनके साथ में नहीं रखा, उसमें भी
बहुत पुष्ट लोग और बहुत सजग किए हैं, लेकिन यात्रा जो उनकी वहां से शुरू हुई 1951 से राजनीतिक यात्रा, वो अंतिम समय तक निरंतर रही भी, जो कभी क्रम नहीं टूटा। कई बार वो जीते, कई बार हारे, एक बार हमने उनको प्रत्यक्ष देखा 1972, 71 के अंत में चुनाव हो गए थे, इंदिरा जी ने थोड़ा पहले चुनाव करवा लिए और इंदिरा जी की बड़ी हवा चली थी। चार बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर के एक समझौता किया था, जो उठा स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी और एक पुरानी कांग्रेस के नाम से कांग्रेस से अलग हुआ था, वो भी उनके साथ थे। बाकी बहुत लोग मिल गए थे, कई उद्योगपति, कई पूंजीपति, सबने मिलकर के बड़ी जोरदार पूरे देश पर टक्कर दी। लेकिन हमारी जनता तो जनता है, इंदिरा जी की व्यंग राष्ट्रीयकरण की हवा ऐसी चली कि लगभग सब बड़े बड़े लोग हार गए। अटल जी जीते थे उस समय, पर अटल जी की पार्टी हार गई थी, बड़ी आशा थी लोगों को। फिर भी उदयपुर में एक सभा थी जनसंघ की, अखिल भारतीय कार्यकारिणी, झंडा रोहण हो गया, फिर अंदर एक बड़ा सभागार था, उसके अंदर सब लोग आकर बैठे थे। अटल जी उसमें अध्यक्ष थे जनसंघ के। अटल जी कुर्सी से उतर करके नीचे की कुर्सी पर चले गए, बोले मेरे नेतृत्व में मेरे दल की हार हुई है, इसलिए अब मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा और अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बोल के नीचे जाकर बैठ गए। बाद में जब वो सभा समाप्त, तो पत्रकार बहुत, तो उन्होंने पूछा कि आप सचमुच में चुनाव नहीं लड़ोगे अब? तो उन्होंने कहा, मैंने अपने मन की इच्छा बोल दी है, लेकिन मैं मेरे दल का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, दल जो कहेगा वो करूंगा। ये 1972 की बात है। लेकिन इतना लंबा आयुष्य प्राप्त करना और अपने मार्ग पर विचलित नहीं होना, रहना टिके हुए, चाहे उतार हो, चाहे चढ़ाव हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, फिर उनके भी जीवन के बारे में कल रात को कुछ हम भी सुन रहे थे। उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज का ग्रेजुएशन हो गया, फिर उनको पढ़ने के लिए कानपुर जाना था, पैसे नहीं थे परिवार में, इसलिए नहीं जा सकते थे। तो ग्वालियर के राजा ने, उस समय के राजा ने उनको एक 70 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी, उसके कारण वो कानपुर गए। तो कानपुर से उन्होंने LLB की पढ़ाई नहीं, MA की पढ़ाई की, LLB नागपुर में किया। और LLB में एक विचित्र संयोग हो गया, उनके पिताजी ने उस साल LLB में एडमिशन ले लिया ग्वालियर में, और संयोग से दोनों को एक ही सेक्शन मिल गया। कई लोग देखने आते थे, पिता पुत्र दोनों साथ पढ़ते, पिताजी सेवानिवृत्त हो गए थे उस समय। फिर अटल जी ने कहते बड़ी प्रयत्न करके, प्रयास करके और अपना सेक्शन बदलवाया, पिता पुत्र दोनों साथ साथ LLB कर रहे थे। संघ के स्वयंसेवकों उसके समय बन गए थे, उस समय स्कूल में पढ़ते हुए, और अपनी संघ की शाखा का क्योंकि आप अधिक सभी स्वयंसेवक हो, इसलिए आपको भी ध्यान में आया होगा, जिसका जो गुण है, जिसकी जो प्रतिभा है, जिसकी जो विशेषता है, उसको प्रोत्साहन देने वाले लोग अपने यहाँ रहे हैं। तो उस समय में अटल जी कविता बनाया करते थे, ये गुण बढ़ता गया। फिर उनको थोड़ा लिखने का काम दिया तो वो पत्रकार भी बने। 3 पत्र पत्रिकाओं के नाम आते हैं, एक है राष्ट्रधर्म लखनऊ से अभी निकलता मासिक पत्रिका, पहले वो उसके संपादक बने, फिर वहां से एक दैनिक पत्र निकलता था स्वदेश, वो बाद में बंद हो गया, उसके संपादक बने। फिर दिल्ली आए तो दिल्ली में उनको थोड़े दिनों दैनिक वीर अर्जुन निकलता था, उसका संपादन कार्य करने का मौका मिला, लिखने का काम, कविता बोलने का काम, और विषय पर उनके लोकसभा में उद्बोधन, राज्यसभा में बीच में बात ऐसे होते थे, सब लोग ध्यान लगा कर सुनते थे। उनको सरस्वती का वरदान था, वो साम
सामने वाले की आलोचना भी करते थे तो इतने अच्छे शब्दों का उपयोग करते थे, उनको लगता नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, अपमान कर दिया है। कभी आप लोग कहते ना खूब लपेट करके मारा, वो कुशल थे, इसमें भाषा का उनको वरदान था। और घंटे घंटे भर तक धारा प्रवाह बोलते थे, जैसे उन्होंने कहा वो गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आए थे, मुझे तो भी सुन नहीं आ रहा। बीच बीच में ये बात में थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बीच बीच में जहाँ भी जाते थे वहाँ स्वयं छोकों का भी कार्यक्रम रखते थे, वो भी प्रचारक है। तो एक बार मैं जब उदयपुर में प्रचारक था तो उनका कार्यक्रम उदयपुर आने का बना, तो अब चलो स्वयं छोकों रख लेते हैं नगर का, रख लिया। तो वो तो एक दिन पहले आते हैं, ये कार्यक्रम को कभी भी 10 दिन 15 दिन पहले तय करना पड़ता है। प्रातःकाल उस दिन ऐसा ऐसा एक स्वयंसेवकों का एकत्रित होगा, उसमें अटल जी आएंगे। जब वो आ गए तो हमारे एक संघ चालक थे, उनके घर रुके हुए थे क्योंकि उनकी पत्नी जनसंघ में थी। तो हम लोग उनको मिलने गए, कार्यक्रम बताया कि ऐसा ऐसा आपका एक कार्यक्रम रखा है, स्वयंसेवक एकत्रीकरण आपको बोलना है। उस समय भी 1970-71 में वो बैठे थे बोर्ड में, थोड़े नागपुर से पूछ लिया, नागपुर से तो कुछ पूछते नहीं है, चुप हो गए। अब हमें लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने ऐसे बोल दिया आप थोड़ा सा बोलिए। बोले जो बोलूंगा तो पूरा बोलूंगा, थोड़ा क्यों आए नगर के संतुष्ट बोले, पर भाव आते थे और प्रधानमंत्री वो कितनी बार रहे, 3 बार। हाँ एक ये भी आ रहा पत्र लिख रहा हूँ मैं, किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने का अवसर मिला उनको, कितनी बार मिला? 6 बार। 5वीं बार तो नरेंद्र मोदी जी ने भी फहरा दिया, तो उनके नाम है 6 बार। पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, फिर पूरे 5 साल निकाले है अपने यहाँ का लोकतंत्र थोड़ा विचित्र है। और वो भी उस समय आधे वोट से आ रहे थे 98 में, वो भी धोखाधड़ी हुई, क्या करते हैं उनको पद से बहुत थोड़ी है। प्रचारक बन गए संघ के स्वयंसेवक, इसका मतलब न पद से मोह, न पैसे से मोह, न प्रतिष्ठा से मोह और न किसी चीज से मोह, मोह आएगा। ये सब अवसर आते हैं, हम हर एक अवसर में समान रहेंगे। कल उनके कई पुराने पाठन दोहराए जा रहे थे, तो जो लोकसभा में उन्होंने 13 दिन के बाद बहुमत साबित करना था, उसमें अवसर सस्ता नहीं था उनको, इतना समय मिलता आप इतने दिन में अपना बहुमत साबित करो, संख्या बल नहीं था। तो उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। दूसरी बार जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तब उन्होंने उसका सामना किया, उस समय वो आधे वोट से आ गए थे 13 महीने वाली सरकार। उस समय उन्होंने जब भाषण का उत्तर देने के लिए कहा तो रामचंद्र जी के नाम से एक सुभाषित की पंक्ति उन्होंने दोहराई, भगवान रामचंद्र ने कहा था मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ लेकिन मैं बदनामी से डरता हूँ, इसलिए धोबी के कहने से सीता जी को बर्बाद दे दिया। ने कहा कि आप मुझे मार दो लेकिन आप ये जो उल्टे सीधे बोल करके आप करते हैं इससे मुझे डर लगता है, लेकिन बोलने की कला थी और विषय की जानकारी थी, निरर्थक नहीं बोलते थे, सब लोग ध्यान लगा के सुनते थे। कल ऐसे एक प्रसंग आ रहा था शायद थोड़े दिनों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया कौन बोला था, कौन बलिया के एक वहाँ बोला था, बलिया के भी एक सज्जन प्रधानमंत्री रहे थे देश के,
दशक में कौन रहे होंगे? चंद्रशेखर जी। उस समय अटल जी को बोलना था किसी प्रसंग पर, शायद ये नरसिंह राव के पहले रहे होंगे चंद्रशेखर जी। सामने वालों ने बहुत टोका टोकी थी उनके बीच में, उनको बोलने दे रहे थे, फिर वो चंद्र जी का मुंह खड़े हुए बोलने के लिए। चंद्रशेखर जी उनका, कृपया इतना समय अटल बिहारी जी को मिला है, आपने टोका टोके उनको बोलने दिया, उनकी बात ध्यान से सुनिए और उनको पूरा समय बोलने को दीजिए, उनके विचार है तो खाते 40 मिनट हो और बोले। टोका टोकी बहुत करते थे, लोगों को सहन नहीं होता था, लेकिन विचारधारा पर अटल रहने का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते थे सामने वाले अटल जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन वो गलत पार्टी में फंस गए। कई उनके बारे में कहते हैं, आपसे भी जब कोई व्यक्तिगत मिलता है, आपके व्यवहार को देख करके, भाषा को देख करके, चाल चलन रहन सहन को देख करके, वो कहते हैं आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप संग में कहाँ फंस गए? तो संग संग तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पता नहीं कैसा है। तो अटल जी भी कहते थे, बाकी लोग भी कहते, भैया जब हम अच्छे हैं तो हमारी फैक्ट्री खराब कैसे हुई? जिस फैक्ट्री में से हम निकल के आए हैं हम उसके उत्पादन है, अगर हम अच्छे हैं तो फैक्ट्री में रंगोली थोड़ी उठाएंगे। लेकिन सब सहन किया और पूरे दुनिया में कई चीज़ों में कीर्तिमान स्थापित किया जिस पर हम अधिकार करते हैं। बोलते धर्म के साथ हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारे विचार, हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श। विदेश मंत्री के नाते जब उनको यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हिंदी में बोला, वो भी एक कीर्तिमान बन गया। ठीक है, आज हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में जहां भी जाते हिंदी में बोलते हैं, जब छोटे छोटे देशों के लोग अपनी भाषा में बोलते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? अपनी भाषा का गर्व, अपनी परंपरा का गर्व होना ही चाहिए, अपनी वेशभूषा। अटल जी को उसको पेंट कोट पहनाया था जो बाहर गए थे, लेकिन एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक के नाते उनका जीवन रहा। और स्वयंसेवक जिस काम को हाथ में लेता है उसको ऊंचाई तक पहुंचाता है। इन लोगों ने अपने दल को भी यहाँ से शुरू करके ऊंचाई तक पहुंचाया, जब कोई अनुकूलता नहीं थी। कभी कभी तो सहयोग करने वाले लोगों को भी लोग ताने मारते थे, अरे कहाँ आप पढ़ रहे हो, सरकार की नजरों में आ जाओगे। लेकिन इन लोगों के व्यवहार के कारण पूरे देश में 1984 में एक बार ऐसे ही अवसर आया, उस समय चुनाव हो गए सारे देश में, उस समय भी कांग्रेस की हवा बहुत तेजी से चली। इनकी पार्टी के केवल 2 ही लोग संसद में पहुंचे, लोकसभा में केवल 2 सदस्य, फिर भी कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला था ना, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, तो क्या बोला, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया करता हूँ, कोई चिंता नहीं। फिर 200 से 200 हो गए, 200 से 300 हो गए, लेकिन कभी निराश होकर के नहीं बैठे। और अन्य दलों के लोगों को भी अपने व्यवहार से अनुकूल बनाया। सब प्रशंसा क्यों करते हैं? व्यवहार देख कर, वाणी देख करके, चाल चलन देख करके, रहन सहन देख करके हम अपने आसानी से बोल सकते हैं। जैसा बोलते हो वैसा करो, कौन सा मुहावरा है, जैसी करनी वैसी, वो तो आगे की चीज है। पहले तो लोग देखते हैं आप जैसा बोलते हो वैसा व्यवहार करते हो नहीं करते हो। कथनी करनी में भेद नहीं, कथनी करनी एक सार बना, जीवन सफल बनाए हम। इन सब लोगों के जीवन में कथनी करनी में भेद नहीं रहा, कहना कुछ
करना कुछ ऐसा लेना, और छोटी छोटी बातों में नहीं उलझाया किसी को भी। कई बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति के अपने स्वयं के जीवन, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ उस पर निर्भर करता है, उसको लेकर के चिंता नहीं करना। जो जहाँ रहता है वो वहाँ पर वेशभूषा पहनेगा, झगड़ा करेगा। अब ये बंगाल के लेकिन आसाम का कोई नहीं है, हमारे कई किसानों को आसाम भेज देते हैं, सभी भी भेजते हैं। बड़ी कठिन परिस्थिति है। आसाम वाले क्या बोलते हैं, जितनी बार शौचालय जाओ उतनी बार स्नान करना है, इसलिए वो एक छोटे से टावेल लपेट के जाते हैं। दाल गंगा पहुंचा जो गया जी में दिखता है हर एक के कंधे पर, कौन बोला गया जी के रहने वाले, गया के रहने वाले हो लगते हैं क्या पंडे अपने कंधे पर लाल पोछा पतले वाला, आसाम वाले लगते हैं। जाएंगे अंदर, आएंगे नाये घर उसको निचोड़ के सुखा देंगे। अब एक बेचारा की इधर से गया हुआ था महाराष्ट्र से, उसको क्या बोलते हैं दस्त लग गए, दिन में दस दस बार जाना पड़ता है, आए फिर बार ढाबा फिर आऊंगा। और उनका अगर इतनी बार मैं नहाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, पर यहाँ का नियम है। तो वो क्या करते थे, बाहर अगर हाथ पकड़ के अपने टावेल को निचोड़ करके सुखा देते थे, स्नान कर लिया। ये करना पड़ता है। फिर कभी कभी अटल जी के बारे में आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मच्छी अच्छी लगती है। अटल जी मच्छी खाते थे क्या? तो हमारे बंगाल के कहने मच्छी कोई वो होता है क्या? वहाँ तो हर घर में तालाब होता है पोखर, और मछली को ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, सब्जी है ये तो क्या बोलते हैं बात। लेकिन अपने संघ में कभी भी खान पान को लेकर के, लेकिन अपनी परंपरा क्या रही, आप सब प्रथम द्वितीय तृतीय से सामूहिक कार्यक्रम में कहीं पर भी मांसाहार नहीं बनेगा, शाकाहार बनेगा। ये सारे देश में चलाया आपने, रोटी चावल दो ही चीज है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत जीवन में खान पान जैसी वहां की परिस्थिति है, भारत में आधा क्षेत्र नदी और समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उनका खान पान मछली है, तो आपत्ति का है, खाओ जैसा खाते हैं। हाँ, जबरदस्ती किसी को खिलाना नहीं। तो खान पान को लेकर छोटी बातों को लेकर कभी बात नहीं किया। मन भी ऊंचा, भाव भी ऊंचे, और व्यवहार भी ऊंचा। और वो साथ में कहते भी थे, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई मत देना जिसके कारण मैं अपनों से दूर हो जाऊं। इतनी ऊंचाई नहीं चाहिए मुझे, अपनों को बीच में जाने दो। आदमी आदमी होता है, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी कहाँ खड़ा है या उसको कहाँ खड़ा रहना पड़ा है। चाहे वो दिल्ली के राजपथ पर खड़ा है या मरगढ़ पर खड़ा है, पर वो जहां भी खड़ा है किस मन से खड़ा है, आगे की दो पंक्तियां बहुत महत्व की। छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता है, और टूटे मन से आदमी खड़ा नहीं होता है। बाकी कभी उसको नहीं पता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। उनका ये कहना था कि मन आपका कैसा है, अगर आपका छोटा मन है तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते, और अगर आपका मन टूट गया तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते। टूटे मन से आदमी खड़ा नहीं होता है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता है। बाकी आदमी आदमी है, कोई दो आंख नाक दो कान दो हाथ दो पैर सबके अपवाद छोड़ देते। हाँ, मन सबका अलग अलग होता है। अब आपके यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा है, व्यक्तित्व विकास। कोई
कोई आपका मित्र आपको कहे मेरे भी व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसको आप क्या कहोगे? व्यक्तित्व का विकास करना यानी क्या करना? हमारे इन सब लोगों ने प्रत्यक्ष स्वयं का भी व्यक्तित्व ऊपर उठाया और आपका हमारा सबका भी ऊपर उठाने का रास्ता दिखाया। आपको ये काम सौंप दिया कि ये 10 लोग हैं, इनके व्यक्तित्व का विकास करना है। हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाता है? व्यक्तित्व का विकास करना यानी क्या करना? अच्छी अच्छी शब्दावली हम बोल सकते हैं, लिखी हुई भी है पुस्तकों में, करेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर एक चाहता है। आप कहते चलता था ना, क्या बोलते थे, पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। लेकिन हमें किसी ने बताया, जैसे नीट के बिंदु आया, 70 साल से ज्यादा हो गए उनको प्रचारक रहते हुए, किसी भी काम में इतने लंबे समय तक आपको हमको सफलतापूर्वक लगे रहना है, तो सबसे पहले आपका साथ देने वाला आपके पास क्या है? मन से भी पहले शरीर। मन तो दिखते ही नहीं, शरीर दिखता है। अंतिम समय तक शरीर आपका हमारा साथ देता है, जब घर वाले भी दूर हो जाते हैं। ऐसा कौन सा स्थान देता है जहाँ घर वाले भी दूर हो जाते हैं? शमशान, चिता। जब चिता में आग लगती है तो वो भी दूर हो जाते हैं, आपका शरीर आपके साथ रहता है। और ये दिखने वाली चीज है, सबके पास है। तो हमारे इन कार्यकर्ताओं का सबसे पहला ध्यान रहा कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, मजबूत कैसे बने, परिश्रम करने के लायक कैसे बने, छोटी मोटी असुविधाओं में भी शरीर थकेगा नहीं, खाने को कुछ मिल गया तो भी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छा, कम मिला तो भी बहुत अच्छा, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन हम काम चला लेंगे, ऐसे शरीर को हमने ढाल लिया। अब उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब करवाते हैं, व्यायाम करो, दिनचर्या अच्छी बनाओ, शरीर के हर एक अंग की चिंता करो, ये आंख, दांत, नाक, कान, गला, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। जब तक ये है तब तक हमें इनका महत्व मालूम नहीं होता है। जब इनमें किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाती है तब इनका महत्व और कीमत मालूम होती है। किसी के दांत खराब हो गए, डॉक्टर आजकल अच्छा है, पैसे मांगते आपके नए दांत बना देंगे, दांत नहीं बना देंगे, कान में मशीन लगा देंगे बढ़िया से बढ़िया, आंख का ऑपरेशन करेंगे, अंदर को बैठा देंगे, तो पता लगता भाई 1 लाख रुपए चाहिए, 25,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, और अंदर हमें मालूम है अंदर क्या चल रहा है। आपका तो ये लीवर खराब हो गया है, सूजन आ गई लीवर में, आपके तो हार्ट की नलियों में थोड़ी सी रुकावट आ गई है, आपकी तो अपेंडिक्स है वो गड़बड़ कर रही है, जब उनका ऑपरेशन होता तब, तो आपको उनको सबको भगवान ने ये शरीर दे दिया और आपके हाथ में इसकी चिंता करने का भी चाबी दे दी, आप अपने शरीर की चिंता करो, इसको जैसा चाहो वैसा बनाओ, रात दिन रोने वाला शरीर भी रह सकता है, रोके देने वाला हो सकता है। अभी तो नई नई गाड़ियाँ आ गई है, पहले जो स्कूटर मोटरसाइकिल आते थे ना, कभी कभी मारे जो कि चालू नहीं होता था, कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक स्कूटर आता था उसको इधर उल्टा करो, क्यों करते थे उल्टा,
सेल आ गया, उस सेल आने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? चौक अलग होता है, ओवरफ्लो अलग होता है। वो कहते हैं दो चार पांच की खाली मारो जरा, सेल ज्यादा आ गया। ये फार्मूला आपके ऊपर भी लागू होता है। एक निश्चित सीमा के बाद जब नींद आती है ज्यादा, उसके बाद हम उठते हैं तो शरीर में आलस आता है, पता नहीं होता नींद भी ओवरफ्लो हो गई है, बहुत देर तक वो इधर उधर घूमता है। अरे भैया ये 4 बजे उठ गए, ये तो बिल्कुल ताजा हो गए, आप तो 8 बजे तक सोने का मौका मिला फिर भी आप सुस्ती ले रहे हो, तो ये भी ओवरफ्लो हो गई, ओवरडोज हो गई नींद की भी। भोजन ज्यादा कर लिया थोड़ी देर में आलस आएगा, अंदर से खट्टी खट्टी जकार आएगी, क्या हुआ आज आज ज्यादा खा लिया, उन्होंने जबरदस्ती कर दी। ये सब चीजें शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और मैं एक महाविद्यालय में पहली बार गया था, बीएड कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, उनके विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे सब, और उनके लिए जो भोजनालय था ना उसका नाम मेस नहीं था, कैंटीन नहीं था, उसका नाम था कैफेटेरिया। हम मालूम नहीं उस समय क्या होता कैफेटेरिया। एक कोने में उनका काउंटर लगा हुआ था, वहां से कूपन लेना पड़ता, फिर आपको देख करके जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। उस काउंटर के ऊपर एक अच्छी पीतल की प्लेट लगी हुई थी, उसको लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था बंगाली शब्द, ईट द वाटर ड्रिंक द फूड। आज भी किसी को कहते हैं आदमी उल्टा बोल रहे हो आप, उनका उल्टा नहीं बोल रहे हैं। किसी बंगाली दोस्त से बात करो, उनके घर में बोलते हैं रोज जो खाओगे क्या, चाय खाओगे क्या, अभी बोलते हैं क्या, चाय खाबिन का जोर खाबिन का, ये उल्टा नहीं है, ये सही है। जल को खाओ, भोजन को पियो। अपने यहाँ लोग उसको जरा और भाषा बोलते थे, अगर आपने दांत का काम दांत से नहीं लिया तो दांत का काम आंख को करना पड़ेगा। अभी कहीं को पता ही नहीं, रखते पानी की गिलास नहीं है तो उसको उठा रखते, एक हाथ मुंह में एक हाथ रोटी में जाते, तुरंत थोड़ी थोड़ी फटाफट उतारते। और कुछ लोग होते हैं वो इतनी देर लगाते हैं सामने वाला, क्या करोगे अब उनको चलना भी है, नहीं नहीं वो कहते इतना 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 चबाओ इतना चबाओ इतना चबाओ कि वो तरल होकर के अंदर चला जाए, रस तो तब बनेगा। तो अभी बोलते हैं आप क्या खाते हो इतना जरूरी नहीं है, आप कैसे खाते हो ये भी महत्व का है, कब खाते हो ये भी महत्व का है, नहीं तो कितना खाते हो इसमें लोगों का ध्यान जाता है। हर एक चीज अपनी दिनचर्या कैसी, कब उठना, उठते क्या करना, रात्रि को कब सोना। 6 महीने का बालक है, उसको ये चीजें कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन उसके जीवन में स्वाभाविकता है। भूख लगी तो वो रोता है, उसको दूध पिला दिया माँ ने, थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। अगर आप बीच में चले गए उसको उठा दिया तो माँ कहेंगे नहीं नहीं कच्ची नींद में उठाओ, ये रोएगा। अगर उसकी नींद पूरी हो गई और उसकी नींद जगी, आसपास कोई नहीं है, तो भी वो अपने पालने में मुस्कराएगा, तो नींद पूरी हो गई। और बीच में जब भी गिर जाता फिर रोता पड़े, इसकी कच्ची नींद थी, उसको समझ नहीं है क्या होती कच्ची पक्की। और वो भी अपना व्यायाम करता है, दूध पीने के बाद थोड़ी देर हाथ पर हिलाता है पालने में पड़ा पड़ा, माँ उसको चादर ओढ़ाती छाती को पैर से फेंक देता है, फिर ओढ़ाती फिर फेंक देता है उसके हाथ, ये उसका व्यायाम है। जो थोड़ा सा वो दूध पीता है उसको बचाने के लिए उसको व्यायाम करना पड़ता है। तो पहला है अपना शरीर, और शरीर के बाद किसका नंबर आता है, मन तो दिखता ही नहीं है, लेकिन होता है सबके पास,
अभी लेबोरेटरी में आप मन को पता नहीं लगा रखते हो, मन है क्या नहीं, अंदर कैसा है, काला है कि पीला है कि छोटा है बड़ा है, लेकिन मन होता है। तो फिर उनको कहा, इन्होंने कहा इतने दिन हो गए, मैं कहा एक एक दिन गिन रहे हो क्या? तो कई लोग कहते हैं अजी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से छुट्टी दिला दो। अरे क्या है मन, कोई कहता है घरवाले कहते हैं उसका तो वहाँ मन लग गया, बात ही नहीं, नानी के घर मन लग गया उसका, ये मन लगना नहीं लगना कैसे पता लगता है? मतलब अंदर मन होता है। कभी कभी आप लोग बोलते हो मेरा मन नहीं मानता है, ये काम करो, मेरा मन नहीं मानता है। अरे मन नहीं मानता कैसे पता लगा आपको? अच्छा मन छोटा भी होता है बड़ा भी होता है क्या? लीवर तो छोटा बड़ा होता है, लीवर अगर बढ़ गया तो डॉक्टर कहेगा आपके लीवर बढ़ गया, बीमारी है, वो आपको भूख लगना कम हो गया क्योंकि आपका लीवर बढ़ गया है, लीवर में सूजन है। लेकिन मन भी छोटा बड़ा होता है क्या, हो सकता है क्या? मन को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे मन का आदमी कहीं पर भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को उसके साथ बोलने की इच्छा नहीं होती, बैठने की इच्छा नहीं होती, रहने की इच्छा नहीं होती, वो बहुत छोटे मन का आदमी है। अभी कैसे पता लगा छोटे मन का आदमी है? उसको स्वयं को किसी के साथ करना अच्छा नहीं लगता, वो अकेले में रहना चाहता है। उसको कोई चीज मिल गई, जैसे छोटा बच्चा होता उसको कोई चीज मिल गई हाथ में आ गई, वो दे नहीं, किसको नहीं देगा? माँ कहेगी इतना भाई है दे दे, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको जान आएगा दे देगा, नहीं तो छोटा नहीं देता, बस मेरी तो मेरी है। बड़े होने के बाद भी कई लोगों का ये स्वभाव होता है, जो चीज आ गई वो किसी को बांटेंगे नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बांटने से खुशी होती है, आओ आओ मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के रहेंगे, ये मन का ही लक्षण है। छोटा मन है तो फिर अकेले में रहेगा, अकेले में खाएगा, अकेले में किसी के साथ उसको उठना बैठना, और बाकी लोगों को ध्यान आ जाता है तब उसके साथ हम नहीं रहेंगे। वो बहुत संकीर्ण मन का है, छोटे मन का है। इस मन को हम अपने प्रयत्नों से बड़ा बना सकते हैं। ये सामूहिक जीवन काय के लिए है, क्योंकि मन बड़ा बनाने की एक प्रक्रिया है। माँ कहती है अरे इसको घर में ये चीज अच्छी नहीं लगती, आप क्या कैसे खा लेता है? हम में से भी कई लोग कैसे हुआ होगा, घर में हम कभी नहीं खाते, मैं थाली फेंक देते, ये क्या बना दिया, रोज रोज क्या बनाते हो? माँ भी जानती है इसको ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हम सामूहिक जीवन में आते हैं तो धीरे धीरे सब चीजें अच्छी लगने लग जाती है। ये मन के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों अच्छा लगता है क्यों अच्छा नहीं लगता है हमने मन को समझा दिया। हर एक चीज में स्वाद है, स्वाद अंदर नहीं है, केवल यही तक स्वाद है। और इसमें भी आपको बताएंगे अलग अलग जगह है, कड़वा मीठा कसेला खारा, ये सब इसके स्थान है। अगर आपने किसी कड़वी चीज को सीधा गले में डाल दिया अंदर बता दो कड़वी नहीं लगेगी जब तक जीभ नहीं छुएगी। ये सब मन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। और मन को बड़ा करना है तो बड़े लोगों के पास हम रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, उनको व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं, उनको देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं हम। शरीर और मन, तीसरी चीज क्या है? अब इन दोनों चीजों की बहुत महिमा गई, अभी आज के पास समय नहीं है आपको, कभी समय मिले तो पढ़ना। सब संतों ने कवियों ने महानुभावों ने मन के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये जो मन है ना, ये चोर होता है, ये कपटी होता है, ये लोभी होता है, ये लालची होता है। ये भजन करते हैं मन लोभी मन लालची मन कपटी मन चोर। और कई लोग क्या कहते हैं, अगर आपको अपने जीवन में सफलता पाना है तो मन को मारो, मन को मार बेड़ा पार। ये मन आपको भटकाता है, वो जो युधिष्ठिर यक्ष का संवाद आता है,
है, वो पूछता है सबसे तेज गति किसकी है? मन की। अभी आप यहाँ बैठे हो, पता नहीं आपका मन यहाँ है कि भाजपा के कांडे में पहुंच गया, इतना तेज जाता पता नहीं कब चला गया कब आ गया, सबसे तेज गति से भागता है। साइंस में तो पढ़ाते हैं प्रकाश की गति सबसे तेज है, आवाज भी उसके बाद में आती, पहले प्रकाश दिखाई देता है फिर आवाज सुनाई देती है, लेकिन मन की गति उससे भी तेज है। मन चंचल भी है, अगर आपको सफलता पानी है तो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। गीता में भी आता है कृष्ण अर्जुन के संवाद में, जब ये सारी बातें कृष्ण बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे नियंत्रण में लाए? तो वो क्या कहते हैं बताते हैं, अभ्यास तू कौन थे, मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए भी निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। रसगुल्ला देखते मुंह में पानी आएगा, लेकिन हमने अपने मन को इतना समझा लिया कि रसगुल्ला देखते मुंह में पानी नहीं आएगा, आता ही है पानी। जितनी हमारी इंद्रियां इन सबके गुण है, आंख अच्छी चीज देखना चाहती है, कान अच्छी चीज सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छी चीज चखना चाहती है, ये सब हमारी कौन सी इंद्रियां है? ज्ञानेन्द्रियां है। नाक का गुण है सूंघना, रेलगाड़ी में बैठे बैठे लोग भी, जो कोई रेलगाड़ी इसी जगह से निकलती है क्या यहाँ शक्कर का कारखाना है, लोग रुमाल निकाल कर कहते हैं कमरे में घर में कोई चूहा मर गया कहीं कोने में, दो दिन हो गए सारे घर में ढूंढते क्या हुआ, फिर उसको ढूंढ के निकालते, निकालने की बात ही जाते नहीं इधर, कभी इसका धूप देंगे कभी चंदन का कभी लोबान का ताकि कभी शुद्धि हो जाए। क्यों? ये जो हमारी इंद्रियां है ये बुरी चीज खाना देखना पसंद नहीं करते, अगर मन के साथ आपकी दोस्ती हो गई है तो देखो मन तो कहेगा आपको गड्ढे में डालेगा, कहाँ डालेगा पता नहीं लगेगा, और जब तक आप संभलोगे तब तक तो आपका इतना पतन हो जाएगा। ओहो, तो इसके बारे में जितना पढ़ोगे जितना याद करोगे उतना है मन की महिमा। शरीर मन तीसरी चीज यहाँ रहती है वो है बुद्धि, उसका विकास करना भी आपके हाथ में है। आजकल तो डॉक्टर कह देते हैं ये भैया थोड़ा मंद बुद्धि है, कुछ नस कभी रह गई कुछ और हो गया, वो भी एक प्राकृतिक होता है लेकिन बाकी स्वाभाविक। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, पढ़ाने वाला एक अध्यापक है, सबको समान पढ़ाता है, फिर भी परीक्षा में किसी को डिस्टिंक्शन आ जाता है। आजकल तो 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98 इतने नंबर आ जाते हैं और किसी को 40 नहीं मिलते। कोई रात भर पढ़ता है उसको कोई याद ही नहीं होता है, कोई एक बार पढ़ेगा ध्यान से उसको याद हो जाएगा। फिर बुद्धि का भी विकास ठीक दिशा में हो, हमारे बड़े लोगों ने हमें हमेशा कहा है अनावश्यक तर्क मत करो, बहस मत करो, सामने वाले की बात को सुनने का भी धैर्य रखो, फिर उसको समझो और आवश्यक हो तो उत्तर दो, तुरंत उत्तर मत दो। हर एक को लगता मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं क्यों इनको बता सकता हूँ, मैं समझा दूंगा अच्छे प्रकार से। उचित दिशा में बुद्धि का विकास हो, और ये सब चीजें करने के लिए हमारा सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? समय का मतलब अपने जीवन का कौन सा समय है? प्रातःकाल सायंकाल युवावस्था तो 25 के बाद ही शुरू होती है, 25 के बाद शुरू होती है ना, लेकिन एक सभी लोग दुनिया में सब लोग मानते हैं निर्माण का एक समय होता है। अब आप 15 से 25 तक मानो, 18 से 25 तक मानो, अंग्रेजी वालों ने एक बड़ा अच्छा मुहावरा निकाल दिया
ये टीनेजर है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक वो टीनेजर मानते हैं, 12 नहीं है, 20 नहीं है। पर एक बात में हम केवल जो आज कमा लेंगे उसको खर्च करने का समय है, बाद में पछताते रहने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने भी उसमें ऐसा किया होता, हमने भी ऐसा किया होता, हमने भी ऐसा किया होता, तो वो बस पछताता भी कर सकते हैं। उस समय हम किसी चीज को बना नहीं सकते जो हमें भगवान ने दिए। आज अगर ठीक से बन गई तो उसका उपयोग कर सकते हैं। उस समय आज भी अपने को कुछ लोग मिलते हैं, बोले मैं तो वही है दांत वही था, आपके 90 साल की उम्र हो गई, हाँ अभी दांत वही, हाँ वही है। आजकल धोखा देते हैं, आप भी उसके शिकार हो गए। अरे यार आपको तो 70 साल हो गई, अभी बाल, अरे बालों पर मत जाओ, ये तो मैं रोज पहले उसके बाद नाई के पास जाते थे, आजकल सबको छोटे छोटे वो दे दिए, रोज स्नान करते थे डालो, बाल हमेशा काले रहेंगे। अब एक उन कालियों का क्या होगा, राजा को एक बाल दिखाई दे गया सफेद और उसको बिल्कुल वैराग्य हो गया, अब समय आ गया है, ना कोई दूत आ गया है, अभी तो 5 साल 8 साल 10 साल में भी सफेद बाल दिखते। तो हर एक चीज का रचना बनाना निर्माण उसका एक कालखंड है, और सबसे अच्छा कालखंड इसको मानते हैं 15 से 25 तक। इस समय आप जो कर लोगे वो जीवन भर आपके काम आएगा। फिर ये जो बुद्धि है इसका भी भंडार है, उस भंडार की भी विशेषता है जो आप सब जानते हो, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिव्य मानते हैं, एक शक्ति की है, एक धन की है, एक विद्या की है। धन की देवी और विद्या की देवी के भंडार में क्या अंतर है, सबने पढ़ा हुआ है, जो जो खर्चे त्यो त्यो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, लक्ष्मी का भंडार जितना खर्च करोगे उतना घटेगा, लेकिन ये सरस्वती का भंडार ऐसा है इसको आप जितना खर्च करोगे बढ़ेगा, और खर्च नहीं किया तो घट जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे ये सब उन्होंने इसलिए बनाया कि पत्थर को भी रस्सी खींचते थे, बाबा आती बाबा आती बाबा आती पत्थर खींच जाता है, रस्सी तो कोमल है पत्थर कठोर है। अभ्यास तो इसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, मन को वश में कर सकते हो, मन को नियंत्रण में कर सकते हो, अभ्यास है ना, 3 चीजें बताई उसमें एक अभ्यास है। अभ्यास करो तो मन आपके लिए नियंत्रण में रह सकता है, आप अपने मन की लगाम अपने हाथ में रख सकते हो। कई लोग हाथी पर ऊंट पर बैठते हैं, मैं नहीं बैठूंगा, घोड़े पर बैठ सकते हो, क्यों, घोड़े पर बैठने वाले के हाथ में उसकी लगाम रहती है, हाथी का अंकुश किसी और के हाथ में, आपको बैठा दिया पीछे, अंकुश आपके हाथ में, वो महावत के हाथ नहीं रहता। इनमें 2-3 है राजस्थान के, राजस्थान का जो प्राणी है ना ऊंट, उसको बैठना आसान नहीं है, वो खड़ा भी 3 क्रमशः में होता है, बैठता भी 3 में है, घबरा जाते हैं लोग, पहले वो ऐसे झुकता है, फिर ऐसे होता है, फिर वापस ऐसे होता है, खड़े होते से पहले आगे के पैर को आधा उठाएगा, फिर पीछे को उठाएगा, फिर आगे को उठाएगा, देखा जी। या तो ऊंट फंसता है या पैर मोड़ के बैठता है और उसकी कोई स्थिति नहीं बनती। तो व्यक्तित्व विकास का मतलब सरल अर्थों में यह है कि जो कुछ हमारे पास है भगवान ने दिया है, जो जीवन में हमारे साथ रहेगा, उसका हम इस कालखंड में कैसे चिंता करके चिंतन करके ठीक दिशा में विकास करें,
कई बाधक होते हैं, 5 मिनट एक खड़े रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, खड़े नहीं रह सकते वो। कई लोग ऐसे 2 घंटे बैठ जाते हैं, बैठे हैं तो 2 घंटे एक ही स्थिति में। तो शरीर को समझाना नहीं पड़ता, शरीर को उस टाइम में बनाना भी पड़ता है। तो मैं तो व्यक्तित्व विकास का सरल रख के लगाता हूँ कि ठीक है चरित्र अच्छा बड़ा, चरित्र बनेगा कैसे, दिखता ही नहीं चरित्र तो। अच्छे अच्छे गुण आने चाहिए, गुण का कोई थर्मामीटर है नहीं, कहाँ से आएंगे गुण, कैसे आएंगे। परिश्रम का गुण, अगर शरीर आपका मजबूत है तो परिश्रम कर सकते, सुख दुख को सहन कर सकते हो। बीमारी की हवा चलती है, कुछ लोग बीमार नहीं होते, चाहे कितना ही संक्रामक रोग हो तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी भी है। कई लोग तुरंत जुकाम हो जाएगा, तुरंत ठंड लग जाएगी। डॉक्टर भी बोलते हैं, सर्दी में बोलते हैं हर बार मरीज कम आते हैं, क्यों, ये जरा हेल्दी सीजन है, लोग खूब खाते हैं सर्दी में, जो खाओगे वो पच जाएगा। गर्मी में वो कहते हैं सावधान रहो, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत करो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बोले ये शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है, हाँ ये शरीर का धर्म है, उसका पालन करना चाहिए आपको। अब नित्य व्यायाम करने की आदत छूट गई, आजकल बाद में जब डॉक्टर बता दो तो पैसे देकर के जाते हैं, कहा मैं जिम में जा रहा हूँ 2 घंटे रोज जा रहा हूँ, छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों रोज दिखता नहीं है, और 2 महीने 4 महीने खूब आप मेहनत करेंगे, कट करके मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, 5 किलो कम हो गया, और कभी कभी ऐसा देखते हाँ तो उनका मापदंड यही है। पुरानी अपने सभी स्थानों पर कहावत है, दुबला पतला देख करके लड़ना नहीं, तगड़ा देख करके डरना नहीं, ऐसी है कहावत। ये सब अनुभव के आधार पर बनाए कहते हैं। अब हम क्योंकि ज्यादातर संघ के सदस्यों के अपनी प्रार्थना और बाहर जो लोक व्यवहार में प्रार्थनाएं चलती है दोनों में अंतर क्या है। कल एक जगह में गया था, बोले हम प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना बोलेंगे फिर हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो उन्होंने 3-4-5 की प्रार्थना मिला करके, मैंने कहा आपने कई बदल करके मिलाए थे तो फिर एक इस प्रार्थना की दूसरी पंक्ति भी थोड़ी बदल करके बोलो, क्या है जी। आपने क्या बोला, हमने तो बोला हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूसरी पंक्ति ये भी है दीजिए हमको शरण में, वो तीसरी पंक्ति है शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। मैंने कहा इसको थोड़ा सकारात्मक बना दो, ये नेगेटिव है। संघ में आने के बाद आपको यही सिखाया, वो बोले कैसे बनेंगे, मैंने कहा बनेंगे देखो हमने पढ़ी है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे सदगुणों से पूर्ण हिंदू कीजिए, होगी। अब दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना करें या जो सदगुण अपने अंदर लाना चाहते हैं उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। 25 साल पहले विद्यार्थी परिषद की डायरी 36 साल में एक बार तो लोगों को देखने को मिला होगा, उसमें एक गीत रहता हर साल एक गीत डालते हो, एक गीत था अच्छा गीत था छोटा था, ये तय हुआ कि इसको हम संघ शिक्षा वर्ग में इस साल लेंगे। तो वहाँ नागपुर में एक बैठक होती है उसका अभ्यास करवा दिया, फिर अधिकांश लोग चले गए, थोड़े लोग बचे थे। तो एक पुराने व्यक्ति थे कार्यकर्ता, उन्होंने एक को पूछा हम संघ में ऐसा गीत कब से बोलते हैं, कहा नहीं ठीक ऐसा गीत तो नहीं बोलते। तो फिर 4 लोग बैठ करके विचार करके उस गीत में बदल कर दिया। पहले क्या था शब्दावली, इसको तोड़ दो, इसको फोड़ दो, इसको बरोड़ दो,
रूढ़ियों को तोड़ दो, कुरूतियों को मोड़ दो, भला हो जिस देश का जिसमें वो काम सब छोड़ दो। बोले हमने संघ में तो ऐसा कभी सिखा ही नहीं, इसको तोड़ो, इसको मरोड़ो, इसको छोड़ो, इसको गाड़ो, इसको क्या होता है। तो वो गीत नया बन गया, थोड़ा सा बदल किया, आपने भी गाया होगा, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला न हो जिसमें देश का वो काम सब छोड़ दो, किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हो गया, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था। अभी आपको हमको बहुत पढ़ने को मिलता है, हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी कैसे पैदा होती है, जो मन में नकारात्मक विचार चलते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी। आजकल वास्तु शास्त्र वाले, ज्योतिष वाले बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि लोगों का मन में डर है। मैं कभी कभी रेलगाड़ी में बैठता हूँ, अगर सफेद कुर्ता पहन रखा होता है, बाल रखा होता तो सामने रखता है, हो हाथ देखते हो हमारे देखो ना, कभी हम नहीं देखते हाथ, लेकिन फिर भी कुछ तो बताओ। हमने कभी ज्योतिष पर इस तंत्र मंत्र में विश्वास किया नहीं, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो कैसे आता है, उसका हमें अभ्यास करवाया। तो अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, इन तीन चीजों का कभी हम ध्यान लगाएंगे और उसको ठीक दिशा में आगे बढ़ाएंगे, फिर बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। चरित्र उसी में से बनेगा, गुण उसी में से आएंगे, व्यवहार उसी में से आएगा, भाषा उसी में से आएगी। कई लोग कहते हैं भैया थोड़ा मीठा बोला करो, अजी हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो बचपन से ऐसे ही बोलते हैं, अब बूढ़े हो गए अब क्या बदल आएगी, बदल आ सकती है। तो अब हम तो अटल जी के साथ जुड़े, किसी के भी साथ जुड़े, लोग आश्चर्य करते हो रहे 90 साल की उम्र में भी आडवाणी जी ऐसे फिट है, वो बोलते फिट है, और फिर लिखा हुआ रहता फिट है तो हिट है। उन्होंने कितना अभ्यास किया होगा, अपने ऊपर कितना नियंत्रण किया होगा, खाने पर ऊपर कितना नियंत्रण किया होगा, ये स्थिति तब आती है। कितने मोह छोड़े होंगे, कितने लालच को ठुकराया होगा, और जब कुछ नहीं था, इतने कष्ट थे, इतनी प्रतिकूलताएं थी, उसमें से निकले। अभी तो बहुत अनुकूलता होगी, समाज में बहुत अनुकूलता है, आपको सब प्रकार की सुविधा देने को समाज तैयार रहता है। प्रारंभ में तो बड़ा कष्ट रहता था। एक अभी है कार्यकर्ता, वो हो गए लगभग 90 साल के, वो बोले मैं वहां पढ़ने गया था, बाजार में एक इतना ऊपर कार्यालय था, ऐसी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। हम 3-4 विद्यार्थी रहते थे, आडवाणी जी उस पर राजस्थान में प्रचारक करके थे 50-51 में, आज 57 साल पहले उनके दांत में दर्द हो गया। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उनको वहाँ भेजा भरतपुर से बीकानेर, आप यहाँ रह कर इलाज करवा लो, ये डॉक्टर साहब अपने ही यहाँ। अब ये लोग विद्यार्थी सुबह सुबह शाखा जाने के लिए निकले, तो इनको कहा लालजी बोलते उनको, हम लोग देर से आएंगे तब तक ये बंद हो जाएगा, ये खड़ा नीचे से भर के ले आना ताकि थोड़ी सुविधा रहेगी। एक दिन दो दिन तो उन्होंने किया, फिर लालजी ने बोला उनको कोई थोड़ा छोटा मटका लाओ ना, नीचे से इसको भर करके इतना ऊपर चढ़ना बहुत कष्ट होता है। प्रचारक जी आ रहे हैं बाहर से, आपको सूचना मिल गई, आपके घर से जरा दो लोगों का भोजन ले आओ, एक का भोजन ले आओ, और गरवाड़ों को कैसे समझाएंगे भोजन लेके जाना। तो वो कार्यकर्ता है ना, अभी उनकी उम्र भी 88-90 साल, वो कहते हैं मेरी माँ को कम दिखता था, मैं पास में बैठ जाता, वो रोटी बनाती थी, पहले रोटी बनाने वाले सब आप जानते चूल्हे के पास बैठते थे, हरा भरा घर रखते थे, बोले मैं चुपके से बीच बीच में एक रोटी निकाल देती। वो उनकी हाफपैंट की जेब में थोड़ी चिकनाई देखी, ये क्या है, बोले मैं दो रोटी इसमें रखता था ले आता था। लो जी एक व्यक्ति का भोजन हो गया, कभी कभी टोपी में रख के लाते थे। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उन लोगों ने अपना प्रारंभ कर।
करके वो कैसे निकाला होगा, लेकिन कभी मन में निराशा नहीं, और जो संपर्क पाया उसको भी निराश नहीं किया, उसको भी उत्साह भरा। और ये ऐसे लोग थे कि जो एक एक साथ दो दो परीक्षा देते थे, दोनों में प्रथम आते थे, केवल प्रथम नहीं कक्षा में प्रथम, कॉलेज में प्रथम, और सभी ने इसका उदाहरण रखा। क्यों? ध्यान लगाकर तो पढ़ते थे। कई ऐसे लोग थे जो उनकी मित्र मंडली, हमें बताया जाता खूब मित्र बनाओ, बाद में सब मित्रों को संशय बनाना, पर ये स्वयं इतने व्यस्त रहते थे कि पहले क्या होता था, 3 महीने की परीक्षा, 6 महीने की परीक्षा, फिर वार्षिक परीक्षा, अब तो हर महीने टेस्ट हो गए, तो 6 महीने की परीक्षा तक कईयों के इनको कई विषयों में किताब देखने का मौका ही नहीं मिला, कौन सा सिलेबस है, पाठ्यक्रम में क्या विषय। तो ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने, जिन जिनको 6 महीने में परीक्षा में 6 महीने में 0 आया था, उनकी 0 एसोसिएशन बनाई, फिर मन लगा कर पढ़े, वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान आ गया। केवल पढ़ना नहीं, दूसरों को पढ़ाना भी, कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाना भी, उनको भी साथ लेके चले। ये सब चीजें आपको हमको सिखाई है, करके दिखाई है, इसलिए आज हम हंसते हंसते अपने रास्ते पर चलते हैं, उत्साह के गीत गाते हैं, मस्ती के गीत गाते हैं। क्यों? हमें कोई डर नहीं है। जब कोई साथ नहीं था तब भी डर नहीं था, आप तो सारी दुनिया साथ थे, तो काहे को डरना। जब थे अकेले तब भी नहीं डरे, आज हम हैं इतने, अब क्यों डरेंगे? अकेले भी चलते थे साथ, तब भी नहीं डरते थे, कोई चिंता नहीं, हमें विश्वास है कि हम 4 लोगों को अपने अनुकूल बना लेंगे। जहां भी जाएंगे, सफलता का लक्षण ये, आपको कहीं भी जाना पड़े, भारत में रहो, बाहर जाओ, जहां भी रहोगे थोड़े दिनों में आसपास के 4 लोग आप अपना बना लोगे। ये कला आपको अभी सीखनी, वो आपके बन जाएंगे, आपके हर काम में सहयोग करेंगे, आपको अकेला पर नहीं रहने देंगे। तो हमने अकेला रहना सीखा ही नहीं, यहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को अपना बना लेंगे। ये है मेरी दृष्टि में व्यक्तित्व विकास।